दोस्तों यार आज हम फाइनली आपके लिए वीडियो लेके आ चुके हैं। तो यार सबसे पहले तो हम ये रोटी लेकर आए हैं, इसको हमने भिगाया हुआ है, तो ये हम अपने पेट्स को डालेंगे। और यार सबसे पहले तो वेरी वेरी सॉरी यार, इतने दिन तक हमारी वीडियो नहीं आई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो अब हम आपके लिए फाइनली एक नया ब्लॉग ले आ चुके हैं, अपने पेट फैमिली पूरी जो हमारी ये परिंदे हैं उनका एक नया ब्लॉग लेके आ चुके हैं। और यार अभी मुझे एक आपको एक बात बतानी है कि हमारे जो वाले नीचे चूजे थे हमने वो भी ऊपर शिफ्ट कर दिए, वो देखिए एंड में आपको दो नजर आ रहे होंगे। और हमारा यार बाद में दिखा देंगे ना। हाँ यार वो हमारा ना गोल्डन स्प्रेड का भी एक बीमार है यार, अभी हम लोग अभी वो कहते हैं उसको हमें लेके भी जाना है नीचे जब हम लोग जा रहे होंगे, ताकि उस पर नजर रहे क्या खा रहा है नहीं खा रहा पी रहा है कुछ, तो उसको पिलाएंगे भी। फिर जैसे यार हमारी मैंगो थी यार, वो कितने टाइम तक आपने देखा था कैसे वो बैठी रहती थी, कभी खड़ी रहती थी, कभी जल्दी से हम चलते हैं और अपने सारे परिंदों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यार कबूतरों के पास ही आते हैं, कबूतर का बच्चा तो माशाल्लाह यार अब ऊपर जाना सीख चुका है और वो अंदर बैठी हुई है अभी कबूतरी अंडे पे, डिस्टर्ब नहीं करते उसको। और कबूतर पेटी पे बैठा हुआ है और उनके बच्चे तो यार नीचे ही हैं, पता है जैसे कि आपको हमने कर दिया था शिफ्ट, या पता नहीं इन लोगों ने बताया या नहीं। और हमने केजेस की सफाई भी कर दी थी लेकिन फिर गंदा तो कर देना है मैंने, फिर गंदा कर दिया। लेकिन यार चलो अभी में मिट्टी नहीं है और हम बर्तन ना एकदम वो पीछे करके रखते हैं तो बर्तन ना साफ रहते हैं, कभी पता नहीं साफ है या नहीं। पहले इधर रखा होता इन लोगों को बाहर निकलने की जल्दी होती। हाँ इनको ना क्या रहे? इनको क्या होता था खाना चाहिए होता था उस वक्त, मतलब ऐसे रहते थे कि गेट पर खड़े रहेंगे ना तो इनको जल्दी खाना मिलेगा, इसलिए गेट पर खड़े रहते थे। तो उनको लगता था हमें मतलब हमें खाना मिलेगा ये वो, तो ऐसे उनके पूरे पैर ना उसमें चले जाते थे। तो अब ऐसा नहीं, हमने वो पूरा पीछे करके रख दिया और मिट्टी भी नहीं है तो मिट्टी उड़ के उसमें जाए, तो अब पानी ना बिल्कुल सेफ रहता है। तो जल्दी से खोलने को अभी नहीं छीले आ रही हैं, अभी जल्दी से इसको खोलो ना बादशाह को खोलो। मेरा दोस्त है यार, ठीक से खोलो ना। चलो साफ है थोड़ा सा, ठीक ही है। अबे ओए वो ब्रेड काट, डायरेक्ट वो रोटी खाने पहुंच गया, उठाओ ये रोटी। पहले इसको हम वाले बर्तन में करके रख देते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इनको जो है ब्रेड डाल दिया तो ब्रेड खा रहे हैं और हमारे चूजे उधर से पागल हो रहे हैं। अबे हाँ यार रोटी, तो अभी हमारे चूजे जो है उधर से पागल हो रहे हैं, इतने बाहर आने जा रहे हैं। हाँ छोड़ो सारे हो रहे हैं पागल, तो अभी ये रोटी खा रहे हैं। और इधर हमने बाकी अपने परिंदों के लिए भी रोटी बचा के रखी है यार, हम इसलिए एक करके खोल लें ताकि शेरू वगैरह जो है ना ये सब लड़े ना आपस में। हाँ दोस्तों यार टेंगो जो है ना हमारे उन दो चूजों को जिनको अभी ना अभी शिफ्ट किया है उनको ना टेंगो बहुत ज्यादा मार रहा था, तो हमने अभी टेंगो को बाहर निकलवाया है और अभी हम उन दो चूजों को भी बाहर निकालेंगे जिन दो को ये मार रहा था ना उनको इसके साथ छोड़ के देखेंगे क्या अभी ये मारता तो नहीं है बाहर। जैसे ही मारेगा हम इसको एक हाथ लगाएंगे और ये पीछे हो जाएगा और इसको इससे पता चलेगा मुझे उनको नहीं मारना, फिर देखते हैं यार ये उनको मारना छोड़ता है या नहीं। तो पहले हम उनको लेकर आते फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इन दो चूजों को भी निकलवा लिया और यार ये इतना डर रहे हैं कि भाग के अभी घर आ चुके हैं। छोड़ो टेंगो को, ओए डर रहे हैं। शिट यार इसको हम दोस्तों पकड़ के मिलते हैं, बल्कि रुको अभी मौका है पकड़ लूंगा, झपट्टा मारना झपट्टा मार, ये पकड़ो मैं पकड़ के जाता ये पकड़ो यार मैं पकड़ता हूँ, पकड़ लिया। चलो अब लाओ वाला बहुत डर रहा है, जो चूजा डर रहा है ना ये उसी को मार रहा है। इधर आओ, अबे पता नहीं है कौन सी नस्ल है भाई, यार गरम भी हो रहा है, टेंगो के ऊपर बिठा दो। अबे टेंगो के ऊपर बिठा दिया मैंने, अबे टेंगो इतना डर क्यों रहा है यार, छोड़ो अब रख दो टेंगो का।
अब अंदर रखेंगे, क्या पता ना हमारे ये क्या कर रहे है। अभी इनको घूमने देते हैं थोड़ा सा, फिर हम इनको बंद कर देंगे। दोस्तों अभी हमने ना शेरों को खोल दिया बादशाह को बंद करके, तो अब हम इसको भी थोड़ी सी रोटी डालेंगे। वहां मुट्ठी में निकाल के डालो थोड़ी सी, और हम यार जल्दी से इन चूजों को भी बंद कर देते हैं, फिर हम अपने बाकी जो चूजे हैं उनको भी खोलने। पहले हमें इनको थोड़ी सी रोटी डाल दे, फिर हम लोग इनको बंद करेंगे। ऐसे नहीं, थोड़ी सी मुट्ठी से निकाल के डाल दो। हाँ रुको, बाकी रख दो और डाल देंगे। हाँ बस अब इन चूजों को पकड़ो यार, बंद करो यार। ये वाला पता नहीं कौन सा चूजा है, मैं आपको ये करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, समझ नहीं आता है कौन सा चूजा है हमें, आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो अभी हम जल्दी से इनको बंद करते हैं, क्या फिर हमें इसको बंद करके फिर पैंथर को खोलना है, फिर गोल्डन स्प्राइट को, फिर अपने दोनों चूजों को खोलना है। हाँ तो अभी इनको तो रखो, खुश तो हो रहे हैं वैसे, है ना। तो यार हम थक बहुत जाते हैं ना इसलिए। तो अभी इनको तो पकड़ो, बंद करो, अभी रखो अंदर, देखते कौन मारता है। हम बैठे हैं इधर, देखते हैं यार कौन मारता है इधर। ये दोनों तो खा रहे हैं, अबे क्या हो गया, चिकन दिख रही है, चिकन चिकन लेग पीस। चलो बंद करो, जाओ जाओ, डांस नहीं करो दादा, तुम ही कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा। वे नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर खुद ही जाएंगे। और डाल दो, ज्यादा डालता और डालो इसको, चलो ठंडी नहीं। तुम उसको पका के खा जाते हो। तो इधर हमने अभी और डाल दिया है, और ये लोग यार बड़ी शौक से खा रहे हैं, बड़ी तेज तेज। बस ये लास्ट शेप है भाई, इसके बाद इन दोनों को भी डालना है, बेचारे वो भी भूखे हो रहे हैं। गोल्डन स्प्राइट और पैंथर, गोल्डन स्प्राइट की भी साफ, और पैंथर की देखो वो तो एंड में ही खड़ा रहता है, उसकी गंदी होगी। चलो शुक्र भाई, आज हमें चारों मुर्गों की छूट मिल गई, और इनका तो वो है थर्मस, क्या कहते हैं, हाँ डिस्पेंसर है इनका, तो वो बस डिस्पेंसर को तो इतना साफ करना नहीं पड़ता। तो हमें हमारी इस पूरी रो की छुट्टी आज, और वो बस उसकी हमें कटोरी साफ करनी है स्ट्रॉलॉप की। और बाकी कबूतरों की, अबे सारा खा जाएगा वो, अबे वो क्या कर रहा है।